बर्तनों की आवाज देर रात तक आ रही थी। रसोई का नल चल रहा है, मां रसोई में है। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में सोने जा चुकी हैं, मां रसोई में है। मां का काम बकाया रह गया था, पर काम तो सबका था। पर मां तो अब भी सबका काम अपना ही मानती है। दूध गर्म करके ठंडा करके जावन देना है ताकि सुबह बेटों को ताजा दही मिल सके। सिंक में रखे बर्तन मां को कचोटते हैं, चाहे तारीख बदल जाए सिंक साफ होना चाहिए। बर्तनों की आवाज से बहू बेटों की नींद खराब हो रही है। बड़ी बहू ने बड़े बेटे से कहा, तुम्हारी मां को नींद नहीं आती क्या? ना खुद सोती हैं और ना हमें सोने देती हैं। मंझली ने मंझले बेटे से कहा, अब देखना सुबह 4 बजे फिर खटर पटर चालू हो जाएगी, तुम्हारी मां को चैन नहीं है क्या? छोटी ने छोटे बेटे से कहा, प्लीज जाकर ये ढोंग बंद करवाओ कि रात को सिंक खाली रहना चाहिए। मां अब तक बर्तन मांज चुकी थी। झुकी कमर, कठोर हथेलियां, लटकी सी त्वचा, जोड़ों की तकलीफ, आंख में पका मोतियाबिंद, माथे पर टपकता पसीना, पैरों में उम्र की लड़खड़ाहट, मगर दूध का गर्म पतीला वो आज भी अपने पल्लू से उठा लेती हैं। उसकी अंगुलियां जलती नहीं हैं, क्योंकि वो मां है। दूध ठंडा हो चुका, जावन भी लग चुका, घड़ी की सुइयां थक गई, मगर मां ने फ्रिज में से भिंडी निकाल ली और काटने लगी। उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो मां है। कभी कभी सोचता हूं कि मां जैसे विषय लिखना, बोलना, बताना, जताना कानूनन बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय निर्विवाद है, क्योंकि यह रिश्ता स्वयं कसौटी है। रात के 12 बजे सुबह की भिंडी कट गई। अचानक याद आया कि गोली तो ली ही नहीं। बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी थैली निकाली। मूनलाइट की रोशनी में गोली के रंग के हिसाब से मुंह में रखी और गटक कर पानी पी लिया। बगल में एक नींद ले चुके बाबूजी ने कहा, आ गई? हां, आज तो कोई काम ही नहीं था, मां ने जवाब दिया, और लेट गई कल की चिंता में। पता नहीं नींद आती होगी या नहीं, पर सुबह वो थकान रहित होती हैं, क्योंकि वो मां है। सुबह का अलार्म बाद में बजता है, मां की नींद पहले खुलती है। याद नहीं कि कभी भरी सर्दियों में भी मां गर्म पानी से नहाई हो। उन्हें सर्दी नहीं लगती, क्योंकि वो मां है। अखबार पढ़ती नहीं मगर उठाकर लाती हैं, चाय पीती नहीं मगर बनाकर लाती हैं, जल्दी खाना खाती नहीं मगर बना देती हैं, क्योंकि वो मां है। मां पर बात जीवन पर खत्म ना होगी, शेष अगली बार। और हां, अगर सुनते देखते आंखों में आंसू आ जाएं, तो कृपया खुलकर रोइए और आंसू पोंछकर एक बार अपनी मां को जादू की झप्पी जरूर दीजिए, क्योंकि वो किसी और की नहीं, आपकी ही मां है।